ऑपरेशन हो चुकी है, ठीक है। सो क्या करें, एक बार ऑपरेशन हो जाता है वो एक आइज में, हो ही सकता है वो दूसरे आइज में वापस से आ जाए, ठीक है, जो वेरी कॉमन। हिंदी तो मोतियाबिंद। मैं आप लोगों के लैंग्वेज में इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे हेल्प कर दे। अच्छा, सो क्या करें, हाँ, एक 50 साल के ऊपर हो रहा है और खाना नहीं खा पाते और एसिडिटी ज्यादा रहती है। 50 साल के ऊपर है, खाना नहीं खा पाते हैं, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले उनको रोटी दीजिए, ठीक है, साथ में डिटॉक्स दीजिए, ओके। अच्छा, मैं कहाँ थी, कैप्शन ये लाइक लीजिए। अच्छा, कैप्शन में सबसे पहला सप्लीमेंट जो है दैट इज इंटेलेक्ट, ओके, क्योंकि इंटेलेक्ट कैप्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लेफ्ट आईज में एक बार ऑपरेशन हो चुकी है तो चांसेस है कि आपके राइट आईज में भी वो डेवलप करेंगे, तो उससे अगर आपको प्रिवेंशन लेनी है तो आप इंटेलेक्ट ले सकते हैं, क्लियर। और इंटेलेक्ट के साथ जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है दैट इज अगेन स्पिरुलिना, ठीक है। तो दो ही सप्लीमेंट है, आपका क्वेश्चन हो गया आंसर, सो इंटेलेक्ट एंड स्पिरुलिना। दोनों ही लेना है, अगर एक लेना है तो इंटेलेक्ट, दो लेना है तो दोनों, ठीक है, ओके। अगर ये 25% है और आप इंटेलेक्ट और स्पिरुलिना ले रहे हो तो वो 25 से 30% नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जैसे इंटेलेक्ट का डोज है वैसे ही लेना है और मिनिमम 6 मंथ्स तक लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेयर फॉल। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, और वो लेडीज में तो खास करके बहुत कॉमन है ना, हेयर फॉल की प्रॉब्लम दो या तीन कारणों से होता है। एक हो सकती है डैंड्रफ प्रॉब्लम, तो उसके लिए डैंड्रफ की ट्रीटमेंट करें। एक हो सकती है अगर आप रेगुलर शैम्पू नहीं करते तब भी हेयर फॉल होती है, तो उसके लिए हफ्ते में 3 बार शैम्पू करें तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल होता है। थर्ड होती है अगर आपकी लीवर की प्रॉब्लम है या टॉक्सिन्स बहुत बॉडी में ज्यादा है या विटामिन डेफिशिएंसी है आपके बॉडी में, तब भी हेयर फॉल हो सकती है, ठीक है। सो अगर आपकी शैम्पू की प्रॉब्लम है तो आप एक्सटर्नली उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी एक्सटर्नली सॉल्व हो जाता है। अगर ये दोनों आपका सही है फिर भी हेयर फॉल हो रही है तो पहला सप्लीमेंट जो है वो है फ्लेक्स ऑयल विद डिटॉक्स, क्योंकि फ्लेक्स ऑयल में हमारे पास क्या है, ओमेगा 6 जो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। सो फ्लेक्स ऑयल जैसे डोज है वैसे ही लीजिए, साथ में आप डिटॉक्स लेंगे, ओके। और नेक्स्ट नंबर पे अगर कुछ आता है दैट इज प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, क्लियर, बिकॉज विटामिन डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होती है। और प्रोटीन हेयर फॉल पे कैसे काम करता है, बिकॉज हमारे जो हेयर्स के फॉलिकल्स हैं वो तैयार होती है प्रोटीन से, सो इन दैट केस प्रोटीन आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो पहले सीक्वेंस में आता है फ्लेक्स ऑयल एंड डिटॉक्स, सेकेंड सीक्वेंस में आता है प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, क्लियर। अब आते हैं कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम की जिसको प्रॉब्लम है रेगुलर बेसिस पे। तो अगर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ऑलवेज से आप सफर कर रहे हो, एज अ प्रिवेंशन आप ले सकते हो पहले गार्लिक ऑयल, पहला सप्लीमेंट, ओके। मिनिमम 6 महीना ले मिनिमम। अगर किसी को परमानेंट कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो उससे अगर आपको प्रिवेंशन चाहिए आप गार्लिक ऑयल 6 महीना तक ले सकते हो कंटिन्यूसली, एंड गार्लिक ऑयल के बाद हाँ दो सेम डोज गार्लिक ऑयल के साथ जो नेक्स्ट सप्लीमेंट आप ले सकते हो वो है मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल, ठीक है। बिकॉज विटामिन डेफिशिएंसी अगर है आपके बॉडी में तो आप फ्रीक्वेंट कफ कोल्ड फीवर ये सारी चीजों से आप सफर करोगे, ओके। हाँ, छोटे बच्चों को दे सकते हैं एक गार्लिक ऑयल, यस दे सकते हैं, छोटे मतलब कितने साल, 5-6 साल के, दे सकते हैं, दे सकते हैं। आप स्ट्रॉमिंग स्मार्ट दो सबसे पहले तो कुछ स्ट्रॉमिंग स्मार्ट दो, साथ में गार्लिक ऑयल दो, ठीक है। अगर एलर्जिक है तो गार्लिक ऑयल से ही काम हो जाएगा, तब आपको विटामिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, साइनस का प्रॉब्लम है, साइनस के प्रॉब्लम के लिए माइंड है,
बताइए क्या होगा. सो कफिंग कोल्ड के लिए पहला हो गया गार्लिक, सेकंड हो गया पंचमी जमे. क्लियर. सो गार्लिक जब भी आप किसी को दो एटलीस्ट कितने महीने लेना है, 6 months. ठीक है. ओके अब आती है एलर्जीज. काफी टाइम होता है हमें डस्ट एलर्जी, फूड एलर्जी या एनी काइंड ऑफ एलर्जी से अगर हम सफर कर रहे हैं, तो इस टाइम पे पहला सप्लीमेंट जो आपको प्रिवेंट कर सकता है एलर्जी से वो है डिटॉक्स, फर्स्ट सप्लीमेंट. ठीक है. क्योंकि आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करेंगे जिससे आपकी एलर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होंगे. सो नंबर वन इज डिटॉक्स, सेकेंड इज डोनी एंड स्पिरुलिना. ठीक है. क्योंकि डोनी जो है वो ऑलमोस्ट हर काइंड ऑफ एलर्जी से आपको सपोर्ट कर सकती है, बट स्पिरुलिना इज बेस्ट फॉर फूड एलर्जी. जिनको खाने पीने से एलर्जी होता है उनको स्पिरुलिना दें. अगर आपको फूड एलर्जी नहीं है, डस्ट एलर्जी है, तो आप डोनी लें. ठीक है. और पहले सीक्वेंस में डिटॉक्स तो है ही. ओके. अब आती है अस्थमा. कुछ लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है. ठीक है. उसमें पहला सप्लीमेंट जो हम दे सकते हैं वो है फ्लेक्स ऑयल, ओमेगा 369. ठीक है. उसके साथ जो सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे आता है, सेकेंड इज इंटेलेक्ट, थर्ड इज कैलिफोर. ठीक है. सो अगर एस्थमा की प्रॉब्लम है तो पहला सप्लीमेंट जो आपको लेना है एज ए प्रिवेंशन आप फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो, दूसरे नंबर पे इंटेलेक्ट एंड तीसरे नंबर पे गार्लिक ऑयल. ठीक है. कार्डियो नहीं दे सकते. हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो तो हम क्या दे सकते हैं आप लोग बताओ. सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो सबसे पहले क्या दे सकते हैं, डिटॉक्स. ओके. सेकंड पे क्या दे सकते हैं, पहले पे हम देंगे डिटॉक्स विद ग्रीन टी पहला. ठीक है. सेकंड पे आइदर, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक इन द सेंस के एपेटाइट कम है उनका, तो सेकंड नंबर पे हम देंगे अपनी शक्ति. थर्ड पे आएगा नोनी. तो डिटॉक्स एंड ग्रीन टी पहले, सेकंड में आता है अमृत शक्ति, थर्ड में यूटिंग नोनी. डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम बहुत कुछ आता है. कुछ लोगों को हो सकता है गैस होता है, कुछ लोगों को होता है एपेटाइट नहीं है, कुछ लोगों को होता है जो आपने बताया. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम नोनी और अमृत शक्ति में आप वाइस वर्सा कर सकते हैं. Okay. अब आती है थायराइड की प्रॉब्लम. ठीक है. आपसे एक क्वेश्चन था मैडम, अगर थायराइड है तो वेट लॉस या वेट गेन का क्या वो है. थायराइड अगर है तो सबसे पहले तो थायराइड को कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर आप इस वेट लॉस या वेट गेन कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो थायराइड के लिए हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है जो सबसे बेस्ट है, वो है जिनसे. ठीक है. तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज जिंसिंग विथ ग्रीन टी. अब थायराइड की जो भी मेडिसिन ले रहे हो उस मेडिसिन के साथ आप जिंसिंग और ग्रीन टी को स्टार्ट कर सकते हो. ओके. लेकिन जब भी आप स्टार्ट करो पहले आप इसको टेस्ट करवा लो ताकि आपके पास या आपके कस्टमर के पास उसके जो भी लेवल है उनको पता चले. जिंसिंग 6 months लेने के बाद फिर से टेस्ट करें, आप देखो आपकी थायराइड की जो लेवल है उसको आप मेंटेन कर पाओगे या जिनका बहुत ज्यादा है वो रिड्यूस कर सकते हैं. ओके. तो हमारे पास एक ही सप्लीमेंट है बेस्ट, दैट इज जिंसिंग विद ग्रीन टी. ठीक है. दूसरे नंबर पे अगर आप कुछ देना चाहते हो वो है फ्लेक्स ऑयल. लेकिन पहले नंबर पे जिंसिंग ही दे, ऐसा ना हो कि जिंसिंग देंगे आपने फ्लेक्स ऑयल दे दिया, वो नहीं करना है. ठीक है. ओके. अब आती है बहुत सारे कैंसर्स का लिस्ट है, ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर. हाँ. पर हमारे पास अलग स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, जिंसिंग ही है. वन
ओके अब जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ठीक है। ये कैंसर्स के जितने भी सप्लीमेंट्स हम देखेंगे वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अभी तक जितना देखा वो भी प्रिवेंटिव है या मेडिसिन के साथ आप ले सकते हो। कैंसर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप ब्लड कैंसर से सफर कर रहे हो, तब जो मैं सप्लीमेंट बताने जा रही हूँ उस समय आप नहीं दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की केमो चल रही है उस समय ये सप्लीमेंट्स नहीं दोगे जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ओके। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बहुत ज्यादा पान घुटना वगैरह लेते हैं तो उनको माउथ कैंसर की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है, तो अगर आप नोनी लेते हो तो आप माउथ कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो बिकॉज वो एंटी कैंसरस है, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है क्योंकि कैंसर में काफी सारे टाइम ऐसे फोन आता है कि मैडम किसी को ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, माउथ कैंसर है, तो नोनी दे दें, जिससे दे दें, उस समय ये सप्लीमेंट्स कोई काम नहीं करेगा। उस समय आपको डॉक्टर मेडिकेशन की ही जरूरत है, ठीक है। कैंसर प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, हमेशा याद रखें इनका मेडिकेशन कंप्लीटली अलग होता है। ये प्रिवेंशन के लिए ले सकते हैं लेकिन क्योर के लिए सप्लीमेंट उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा, और अगर लेते हैं तो प्लीज डॉक्टर्स के सजेशन के साथ ही लें। क्लियर सबको? ओके, तो सबसे पहले अगर माउथ कैंसर के देखें, माउथ कैंसर अगर किसी को प्रिवेंट करना है, ठीक है, क्योर नहीं प्रिवेंट करना है, तो हम उनको सबसे पहले दे सकते हैं नोनी, क्लियर। सेकेंड में हम उनको दे सकते हैं जिंसिंग, बिकॉज जिंसिंग कैंसरस सेल्स को डैमेज करने में हेल्प करता है। और तीसरे नंबर पे दे सकते हैं गार्लिक ऑयल, बिकॉज गार्लिक एंटी कार्सिनोजेनिक है, ओके। सो माउथ कैंसर को अगर प्रिवेंट करना है तो ये तीन चीजें आप दे सकते हो, नोनी, जिंसिंग एंड गार्लिक ऑयल, ठीक है। तीनों एंटी कैंसरस है, तो आप ये तीनों चीजें अगर लेते हो तो कोई भी कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो, नॉट क्योर, क्लियर। नेक्स्ट आता है ब्लड कैंसर, इसको भी अगर प्रिवेंट करना है, अगर प्रिवेंशन के लिए आप किसी को देना चाहते हो तो पहला सप्लीमेंट है जिंसिंग, दूसरे सीक्वेंस में आता है गार्लिक, एंड तीसरे सीक्वेंस पे आता है इंटेलेक्ट, क्लियर। ब्रेस्ट कैंसर, इसको प्रिवेंट करने के लिए पहला सप्लीमेंट जो है वो प्रोटीन डिलीशन, इसलिए कहा जाता है कि लेडीज के लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप रेगुलर बेसिस पे उसको ले सकते हो। सो प्रोटीन डिलीशन पहला सप्लीमेंट है जो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है गार्लिक ऑयल एंड तीसरे नंबर पे है इंटेलेक्ट, क्लियर। अब आता है लो शुगर, जो आप पूछ रहे थे सर, लो शुगर किसी का है तो उनको आप क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? हाँ, आप नहीं है उसके प्रिवेंशन के लिए भी डोज ले लेंगे। आप दे सकते हो विद प्रायर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, आप अपने हिसाब से जितने भी मैंने बताया है कुछ नहीं लेना है जब तक डॉक्टर सजेस्ट ना करे। अब ले सकते हो तो मैं बता लूंगी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, आप डॉक्टर को दिखा के ये सारी चीजें ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैंसर। बिकॉज केमो जब आप किसी को भी कोई भी पेशेंट लेता है हर इंसान की बॉडी की इंटेक कैपेसिटी डिफरेंट होती है, तो मैंने अभी जो बताया वो जनरलाइज है पर मेरे बॉडी में और आपके बॉडी में डिफरेंस है, इसलिए डॉक्टर को पूछना जरूरी है। प्रोटीन ले सकते हो, इंटेलेक्ट ले सकते हो, बॉडी ले सकते हो, तीनों चीज जो मैं बताई हूँ बता दी तो मैंने तीनों चीजों के लिए प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों में एक ही होगा विद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सेम, यस।
शुगर अगर किसी को है तो आप उनको दे सकते हैं सबसे पहले जो है मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल, ठीक है, जिनकी शुगर लेवल कम होती है उनके लिए विटामिन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मल्टीविटामिन सबसे पहले आता है और दूसरे नंबर पे जो है वो है स्पिरुलिना, ठीक है। सो लो शुगर के लिए ये दोनों चीज आप दे सकते हो, मल्टीविटामिन एंड स्पिरुलिना। नेक्स्ट आता है किडनी फेलियर, अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सबसे पहला सप्लीमेंट जो आप उनको दे सकते हो एज अ प्रिवेंशन वो है इंटेलेक्ट फर्स्ट, ठीक है। आपका क्वेश्चन था शायद, आपका नहीं, किसका था, आप पूछ रहे थे, यस। तो पहले आप दे सकते हो इंटेलेक्ट, सेकेंड आप दे सकते हो मल्टीविटामिन एंड थर्ड आप दे सकते हो स्पिरुलिना। ओके, सप्लीमेंट्स हमेशा प्रिवेंट ही करता है, किडनी का प्रॉब्लम है और वेट लॉस भी करना है। अगर एक ही किडनी या वेट लॉस भी करना है मैडम, उस टाइम पे आप प्रोटीन नहीं दे सकते, ठीक है। सो आपको इंटेलेक्ट मल्टीविटामिन एंड स्पिरुलिना ये तीन चीज ही दे सकते हो, मैक्सिमम ग्रीन टी दे सकते हो, ठीक है, यस। दोनों किडनी फेल्ड है, यंग लेडी है, उसके लिए क्या करवाना है? अगर दोनों किडनी फेल है, ये जो मैंने बताया वही है एज अ प्रिवेंशन, जो भी दवाई ले रहे हैं उसके साथ अगर इंटेलेक्ट को ऐड करें या मल्टीविटामिन को ऐड करें तो उनसे उनको रिलीफ मिलेगी और भी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, यस। नहीं है हमारे पास कुछ, यस। अचानक से हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करना है? नहीं मैडम, कुछ नहीं है हमारे पास। हेमोग्लोबिन कम है बढ़ा सकते हो, लेकिन बढ़ा हुआ हेमोग्लोबिन को कम करने के लिए ऐसा उतना कोई सप्लीमेंट नहीं है हमारे पास। ये मिस हो गया, हेमोग्लोबिन कम बताइए आपको लास्ट में, याद दिलाना मुझे, एक बार कंप्लीट हो जाए। ओके, यस, किसमें सिकल सेल वही होता है अगर थैलेसेमिया का प्रॉब्लम है तो अदरवाइज और कोई ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। आप देख लो मैं सर्जरी बोल रहे थैलेसेमिया पर आपको और आपका मैच होना चाहिए, अगर थैलेसेमिया और एनीमिया मेरे हिसाब से वही लगभग, तब आप स्पिरुलिना पॉजिटिव के आराम से ले सकते हैं। आप कुछ पूछ रहे थैलेसेमिया में स्पिरुलिना पॉजिटिव सेम है इट्स अ टाइप ऑफ एनीमिया, यस, सेम स्पिरुलिना एंड मल्टीविटामिन दोनों चीज। आपका क्लियर? मैं क्लियर कर रही हूं, थैलेसीमिया के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास कुछ नहीं है, ओके, लेकिन थैलेसीमिया को अगर आप थोड़ा सा भी क्योर में 20% हेल्प कर सकते हो तो आप स्पिरुलिना मल्टीविटामिन से हेल्प कर सकते हो, पर स्पेसिफिकली फॉर थैलेसीमिया मैडम रिपोर्ट है मेडिसिन, ठीक है, थैलेसीमिया आइसक्रीम।
सोमोरी बोल रहे हो? नहीं हमारे पास नहीं। और कुछ? हाँ पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं भूल जाऊंगी इसके बाद। अच्छा अब आगे कोलेस्ट्रॉल के बारे मेरे पास कुछ लिस्ट है जो नितेश जी ने मुझे दिया है, मैंने वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं तो बाद में वो एड्रेस करेंगे, इसके अलावा और कुछ है। ओके कोलेस्ट्रॉल की अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो हम दे सकते हैं वो है फ्लेक्सोल विद ग्रीन टी, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस पे। सेकेंड सीक्वेंस पे हम गार्लिक दे सकते हैं, गार्लिक होल। और तीसरे सीक्वेंस पे हम दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, अगर किसी को है तो वो दवाई जरूर लेते होंगे। ओके सो दवाई के साथ फ्लेक्सोल या गार्लिक होनी स्टार्ट कर सकते हैं। तीन चार महीने बाद आप टेस्ट करवाए, आप देखो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल पे आता है तो आप दवाई को उस टाइम क्लोज करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको दवाई के साथ ही ये सारे सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करने हैं, ठीक है। राइस ब्रेन वो तो है, वो सप्लीमेंट में नहीं आता है, आप ले सकते हो। अगर किसी को डायरिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, ऐसे लोगों को फर्स्ट हमें देना है अमृत शक्ति फर्स्ट सप्लीमेंट, और ये समर्स में बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। तो अमृत शक्ति आप ले सकते हो एंड उसके साथ आप डिटॉक्स ले सकते हो, अमृत शक्ति फर्स्ट सेकेंड डिटॉक्स। अगर आप ये दोनों चीजें लेते हो तो आप किस चीज को प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। चिल्ड्रंस को यस कितने साल? कोई मतलब दो साल है, दो साल के बच्चे सबसे पहले तो टैबलेट या कैप्सूल ले नहीं पाएंगे, हमें देना ही है तो एटलीस्ट 5 years होनी चाहिए, ठीक है। ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए ये नहीं, ये सिर्फ डाइजेशन के लिए है। अच्छा फोरम जी ने एक सलूशन दिया है मैडम आपके लिए कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप दो अमृत की एक घंटा पहले ले सकते हो, मैंने ट्राई नहीं किया और ट्राई किया है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके कोई भी चीजें अभी जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैडम ने क्वेश्चन पूछा है अमृत शक्ति में मेनली डाइजेशन नौसिया वॉमिटिंग ये सारी चीजों के लिए, पर मैडम ने जो बताया उन्होंने ट्राई किया है और ये सक्सेसफुल है तो आप लोग भी उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया है, वॉमिटिंग का भी प्रॉब्लम है और साथ में डायबिटीज भी है। अब मैंने डायबिटीज कवर नहीं किया ना मित्र। अच्छा क्रॉनिक डायरिया वॉमिटिंग और डायबिटीज अगर तीनों चीजें हो मैडम सबसे पहले तो अमृत शक्ति देना ही है फर्स्ट, ओके। सेकंड नंबर पे आप अगर दे सकते हो है जिनसिंग, तीसरे नंबर पे अगर कुछ दे सकते हो दैट इज गार्लिक। डायबिटीज एक सेकंड